हेयर गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th of July 2020 को वन प्लस जेड या वन प्लस लाइट फाइनली लॉन्च होने वाला है इंडिया के भीतर, और इंडिया ऐसी पहली कंट्री होगी जिसमें ये स्मार्टफोन आएगा, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था। और ये काफी हद तक कंफर्म्ड है कि 10th of July को आने वाला है वन प्लस जेड। पीट लाउ ने भी ये कंफर्म किया कि इंडिया में जल्द ही यानी कि बहुत जल्दी लेकर आने वाला है अपना सबसे कंफर्टेबल एंड मिड रेंज स्मार्टफोन, जो कि OnePlus के लिए वापसी होगी अपने मिड रेंज सेक्शन में। Vivo, Oppo जैसे बड़े ब्रांड को ये इक्वली टक्कर देगा, स्पेशली जो फ्लैट डिस्प्ले है, स्पेसिफिकेशन रूमर्ड जो कंफर्म्ड हुए हैं, जो भी आप कह लो, Snapdragon 765G OLED पैनल, 90Hz रिफ्रेश रेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 64 मेगापिक्सल वाला तगड़ा कैमरा, बड़ी बैटरी विद फास्ट चार्जिंग, एवरीथिंग विल बी इन दिस स्मार्टफोन। और कीमत केवल आप अंदाजा लगा सकते हो 24,999, यानी कि लगभग 25,000 के अंदर ये स्मार्टफोन OnePlus की तरफ से देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। गाइस जो डिजाइन और एक्सक्लूसिव लुक है, 3-4 महीने पहले ही 91 मोबाइल्स ने एक टीस्ट किया था स्मार्टफोन को, तो एग्जैक्टली वही लुक होने वाला। और बहुत सारे चैनल्स हो गए जिन्होंने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने कुछ क्रिएटिव आइडियाज को इनबिल्ट किया है इस स्मार्टफोन के अंदर, जिसका की लुक काफी ग्लॉसी लग रहा है और दिखने में बहुत बढ़िया है, जो कि एकदम क्लोज होगा इस स्मार्टफोन के लॉन्च के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 6.55 इंच के फ्लैट डिस्प्ले आएगा, साथ में पंच होल कटआउट डिस्प्ले जो कि काफी लुक को और इम्प्रेसिव बनाता है, और ये तो है ही। और साथ में जो कैमरास होंगे वो ट्रिपल रियर कैमरा का लेंस होगा, प्राइमरी 64 मेगापिक्सल, और फ्रंट की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल। तो कैमरा के सेक्शन में जो पहला प्राइमरी है वो काफी मजबूत होगा, धाकड़ होगा, कैमरा 64 मेगापिक्सल यानी कि बेहतरीन। इसके साथ 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल जाएगा कैमरा सेक्शन में। और प्रोसेसर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि काफी एक्सक्लूसिव रहने वाला है, क्योंकि अगर आप 25,000 दे रहे हो तो उससे कम में आप 5G प्रोसेसर लिए बिना तो मानोगे नहीं, तो ये एक्सपेक्टेशन भी ये फुलफिल करने वाली है। 25,000 के अंदर ही आपको स्नैपड्रैगन के 765G का प्रोसेसर पहली बार देखने को मिलेगा OnePlus की तरफ से, जो मिड रेंज में लेकर आने वाली है अपना ये स्मार्टफोन। और ये इसका पहला फोन है जिसमें ये फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर प्रोवाइड नहीं कर रही है। 100% कंफर्म है कि Snapdragon 765G ही मिलेगा, जो कि एक काफी अच्छा प्रोसेसर है। और जो रैम वेरिएंट है वो अभी तक रिवील एक ही हुआ है कि 6128GB सिंगल वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, अदर कोई वेरिएंट अभी तक कंफर्म नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए एक और 8GB वाला, 256GB वाला, क्योंकि ऑप्शन रहेंगे चूज करने के लिए। इसके अलावा अगर दोस्तों बात कर लेता हूं इसके अदर फीचर्स में, तो 3.5mm जैक जो कि बहुत एक्सक्लूसिव होता है इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो वायरलेस चार्जिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप उससे नाखुश हो तो आई थिंक एक चीज को छोड़ के और सारा चीज को कंसीडर कर सकते हो। हाँ, बट 25,000 के अंदर में और भी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो थोड़े मोड़े चेंजेस में आपको सेम स्पेसिफिकेशन दे दे तो आप दूसरे ऑप्शन को क्यों चूज करो। बट OnePlus तो यार OnePlus ही है, इसका फील और लुक मैं तो केवल एक्सप्लेन कर सकता हूँ वर्ड्स में, बट वो जो फीलिंग है वो आप खुद महसूस कर सकते हो आफ्टर बाइंग दिस प्रोडक्ट। अगर आपका ओपिनियन है कुछ इस स्मार्टफोन को लेकर, तो आप बिलो जो कमेंट सेक्शन है उसमें इजीली आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आप सभी के लिए। इसके अलावा जो प्राइस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, 25,000 से स्टार्ट होगा ये स्मार्टफोन। आई थिंक अगर एक वेरिएंट है तो स्टार्ट किया वही एंड भी हो जाएगा, अगर जोक सपाट की बात करूं तो। सेम प्रोडक्ट ही एक ही आने वाला है 25,000 वाला, 6128GB वाला। इसके अलावा जो बैटरी वाले सेक्शन, उसमें 4,300mAh की बैटरी से बताया जा रहा आएगा, जो कि 30W के रैप चार्जिंग के साथ आएगा। नॉर्मल ही आपको विद इन 1 आवर आपका 60-70% चार्ज कर देगा डिवाइस, जो कि काफी अच्छी बात है एक डे टू डे लाइफ यूजर्स के लिए स्पेसिफिकली। अभी तो सब कोई घर में ही है, सो उतना चार्जिंग का कोई इशू नहीं हो सकता है, बट ऑल गुड, नो इशू। इसके अलावा दोस्तों लॉन्च ये काफी इंटरेस्टिंग है, और जो लॉन्च का मैंने 10th July बताया था वो केवल बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, NDTV गैजेट्स हुआ, जैसे मैरीना हुआ, ये सारे लोगों ने इसको रिवील किया है कि 10th July। बट पीट लाउ जो कि CEO है, उन्होंने ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है एग्जैक्टली, अगर मैं बात करूं तो। सो इफ यू विल ट्वीट देन डेफिनेटली वी विल गेट टू नो द एग्जैक्ट डेट, बट इन लोगों ने मैक्सिमम जो डेट एक्सपेक्ट करते हैं उसके आसपास नियर टू लॉन्च डेट होता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे।